हे गाइस, सलाम नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल आशु। दोस्तों, आज भी हम चल रहे हैं वर्सोवा की ओर, तो देखते हैं ऑडिशन की अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं वापस से एक नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जो कि वर्सोवा रामनगर की वीडियो है। तो आज भी हम अपडेट करेंगे आपको कि ऑडिशन हो रहे हैं या नहीं, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए एंड देखते रहिए आपका अपना चैनल आशु। अगर इमिडिएटली वहां पे कुछ अपडेट्स रहा तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। सो दोस्तों, अभी हम वर्सोवा पहुँच चुके हैं एंड अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वर्सोवा रामनगर। तो बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्टली पहुंचेंगे रामनगर एंड बहुत सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल आशु एंड बने रहिए, जुड़े रहिए, प्यार बांटते रहिए। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रामनगर पार्ट वन की गली के पास। आप देख सकते हैं ये TWC कास्टिंग, यानी कि टीम वर्क क्रिएशंस। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी ऑडिशंस, कोई भी चीज़ें ऐसे रैंडमली नहीं दिख रहा है। सो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो मेल आईडी मैंने दिया है उस पर मेल करें प्रोफाइल्स, और थोड़ा पेशेंस रखें। सब्र के साथ ही काम होता है, लेकिन आपको अपने क्राफ्ट पे लगातार काम करना है। एज एन एक्टर, एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना सीखोगे, जितना समझोगे, उतना कम है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का भी है एज एन एक्टर। तो अभी हम जा रहे हैं एंटी कास्टिंग। सो दिस इज कास्टिंग क्यू एट रामनगर पार्ट वन, बंगलो नंबर 78 एंड दिस इज मेल आईडी। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी प्रोफाइल्स भेज दो और पेशेंस रखो, काम मिलेगा सभी को। सब्र के साथ काम करना होता है। दिस इज एंटी कास्टिंग, ये मेल आईडी कहाँ गया, ये रहा मेल आईडी। दिस इज़ मेल आईडी ऑफ एंटी कास्टिंग। और अभी कुछ चीज़ें यहाँ शायद ऑडिशंस हो रहे हैं शॉर्ट लिस्टेड। सो अभी जस्ट हम एंटी कास्टिंग ऑफिस के अंदर गए थे एंड वहाँ मैंने टीम से मुलाकात की। सो टीम ने कहा कि सर, अभी फ़िलहाल आपके लुक के हिसाब से, आपके कैरेक्टर के हिसाब से फ़िलहाल अभी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तो यही होता है स्ट्रगल, यही होता है एक एक्टर का, जो लोगों से मिलना जुलना लगे रहता है। और यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं चालू है। कुछ लोग मुझे अभी कमेंट भी कर रहे थे कि आशु भाई, ये बताइए कि अभी ऑडिशन की क्या अपडेट है, रामनगर में कहीं ऑडिशन कुछ हो रहे कि नहीं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी डेफिनेटली। माफ़ी चाहता हूं तहदिल से, बिकॉज क्या कहूं यार, मैं वीडियोस बनाने के लिए हमेशा जाता हूं, बट क्या हो जाता है, कभी शूटिंग के रिगार्डिंग काम आ जाता है, सो कभी कुछ हमारे घर का काम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वजह से आप लोग थोड़ा समझिए बातों को एंड अभी ये कहना चाहता हूँ कि अभी लगातार वीडियोज़ आने शुरू हो गए, तो प्लीज़ इस चैनल में बने, इस परिवार में बने रहिए, आपका अपना चैनल आशु। अभी हम जा रहे हैं रामनगर पार्ट टू एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और एक्सप्लोर भी की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इसी तरह बने रहिए आपके अपने चैनल आशु पे। और अभी हम जा रहे हैं रामनगर पार्ट टू में, तो आ चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे क्रिएटिव अड्डा के पास। अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें रहा तो डेफिनेटली मैं उसको भी कवर करूँगा और उसके बाद हम चले जाएंगे कास्टिंग बे एंड मुकेश छाबरा सर के कास्टिंग ऑफिस के पास। गाइस, सो अभी हम जस्ट क्रिएटिव अड्डा में गए थे एंड वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें चालू नहीं थी। सो नाउ वी आर गोइंग एट मुकेश छाबरा कास्टिंग ऑफिस एंड कास्टिंग बे। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, आपका अपना चैनल आशु। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल ये भी वीडियोज़ है आज का अपडेट्स। अभी हम जा रहे हैं पार्ट टू की ओर
तो देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें चालू हैं। तो इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों तक वीडियोस लाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में लाइक तो बनती है एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी रीच्ड मुकेश छाबरा कास्टिंग ऑफिसेस एंड यहाँ पे फिलहाल कुछ भी ऐसे चीज़ें चालू नहीं है। कोई इक्का दुक्का एक्टर यहाँ पे आके जो है शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस दे रहा है। ये सामने विनोद मिले, हाय। तो यही सब चीज़ें चालू है, सामने कुछ भी ऐसे माहौल नहीं है। बट अभी हम इसके बाद जाएंगे कास्टिंग बे और कुणाल एमशा कास्टिंग ऑफिस की तरफ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। डेली व्लॉग्स, जी। सो दोस्तों अभी हम कास्टिंग बे ऑफिस की तरफ पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, टीम से देखते हैं क्या चीज़ें चालू है क्या नहीं। सबसे पहले ये मेल आईडी, अभी हम मिलेंगे टीम से, उसके बाद बताएंगे क्या अपडेट्स है। सो दोस्तों अभी मैं गया था कास्टिंग बे ऑफिस के पास एंड वहाँ पे मैंने टीम से मुलाकात की। टीम ने कहा कि सर अभी आपके लिए फ़िलहाल आपके लुक के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट अभी है नहीं, बट डेफिनेटली जब होगा तो आवर टीम विल बी कॉल यू। एंड उन्होंने कहा कि आप मंडे टू फ्राइडे आके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। द टाइमिंग वॉज 11 AM टू 12 PM एवरी मंडे टू फ्राइडे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था और इसी वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करके बताएं कि कैसा लगा। और कमेंट में आप सारी चीज़ें मुझे बताइए। एक ये बहुत ही अच्छा सा नज़ारा आप देख सकते हैं, क्रिकेट यहाँ पे हो रहा है एंड बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द मिलेंगे, लव यू ऑल। फिर कोई नए वीडियो के साथ, कोई नए सोच के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।